From your mouth, from your this, tell them what is happening about Kabristan. Kabristan, we find out. कोई और
किराया देने के लिए ना तो मुझे गवर्नमेंट के पास जाना है, ना तो मुझे जीबी के पास जाना है, ना मुझे कलेक्टर के पास जाना है, मेरा साइन ही फाइनल। तो उसने हाँ कहा है, जिससे साहब बोल रहे हैं अभी प्रभु से पूछ लेता हूँ मैं, टाटा क्लीनिक भी होके आगे होगा तो 10-12 दिन में हो सकता है। मैं इतना कहता हूँ कि कभी आश्रम तो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बाद में पूरे नहीं हो, यदि वो हिचकिचाया नहीं संदीप तो ये चीज एक महीने के अंदर कमिश्नरशिप का गुरु कमिश्नर टाइटल बदल गया माइक और का अधिकार उसमें निकल गया तो फिर वो संदीप प्रभु अधिकार। हेलो हां संदीप वो टाइटल लेना सो गया है कब्रिस्तान भी उसका मिस्टर मित्तल का। हॉस्पिटल सेंशन टेंडर एक्सटेंड है कि फ्राइडे को आखिरी तारीख है
हमारी निगाह में मैंने इनको एक समझाया है कि रीजन हमारी निगाह में भी ये तो वो लोग हैं कि जिसकी जमीन पे निगाह डाल दें इनकी। मैंने इनको ये समझाया कि गवर्नमेंट जब रिजर्वेशन डाल देती है तो किसी का माइक कलर उसको हटा नहीं सकता। वो जगह कब्रिस्तान के लिए ही कोई भी व्यक्ति मालिक जो है वो थोड़ा सा देर कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। उसको भी ये समझाया गया उसकी एक अपेक्षा ऐसी थी कि सर इसको एरिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो शायद मेरा ओपन स्पेस जो मेरे मेरे जो है उसकी कीमत कम नहीं होगी। उसको उसको डर है दोनों तरह से मार खा रहा है कि जमीन उसकी जो है वो उसको सरेंडर करनी पड़ी है डेवलपर भी बेच नहीं पा रहा है और दूसरी चीज़ें भी वो जो सरेंडर करेगा तो किसान आता है उसके बाकी लोगों के पास नहीं। तो एनी वे वो चीज़ें खत्म हो गई है, उसने हाँ हो गया है, दूसरे का भी कंसेंट आ गया है। अभी तीन चार दिन के बाद वॉट ही सेट वॉज कि तीन चार दिन के अंदर मेरे पास टाइटल क्लियरेंस आ जाएगा। उसके बाद की जो प्रोसेस उसकी लगभग दो महीने की वो हम मुस्लिम लोग थोड़ा सा नेगेटिव वाइब को जोड़ करके सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है इन फ्यूचर हो सकता है उसको कुछ दूसरा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए वो ना कर दे। तो आप एक्विजिशन एक्ट के तहत आपके पास एक पावर स्पेशल है कि आप उसको सर आप उसको जो मालूम है सर जो मालूम है दो साल लगते हैं दो साल के अंदर और उसको इतने रुपये मिलेंगे। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है सेंटर में वो रेनोवेशन एक्ट को दोबारा पार्लियामेंट लेके जाएगी तो रेनोवेशन एक्ट को खुद को स्टेबलाइज होने में कम से कम छह सात महीने तो लगेंगे। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पांच एकड़ का लैंड जो है सर उसका आप पीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट एक्ट दे सकते हो उसको कहीं से भी उसके आरजोन का नुकसान नहीं हो रहा कहीं से भी ये कंडीशन आप लगा स्टैंडिंग आइए चाय पी लें। ये बाइक लेंगे अच्छा थोड़ी सी चाय पी कर लें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट हम मालूम है बोल रहे हैं।
जाएगा, दो महीने का टाइम वो कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि महीना मान लीजिए होता शायद इंशाल्लाह रास्ता निकले। आधा एकड़ ज्यादा देने, उनको
लेकिन मालूम तो पड़ेगा कौन है, तो लेके आइए ना, वो कौन है, हम तो ढूंढ रहे, कोई मिल नहीं रहा है। आप क्या सोचे थे भाई? ऐसा है कि हमारा दिल ऐसा नहीं है कि हम कहने के नहीं सब हमको चाहिए, अगर किसी को है तकलीफ तो बिल्कुल उसको देने के लिए हम कायल हैं, और बार बार हम कह चुके हैं सबसे, बराबर की नहीं, जो हजरत साहब बोरी का भी जो बोले वो भी है वहाँ पे शमशान नगर में, ऐसा है सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है, जो मोमिन हजरत साहब ने आपको मालूम होना चाहिए किसको, पुराने लोग अगर होंगे तो जामा मस्जिद में जब उस वक्त चबूतरा बना तो हमने सबसे पहले मना किया था कि भाई ये बाहर की जगह खेल के आप, उस वक्त मना किया था। नहीं तो हुआ क्या उसमें, तो उसमें के चंद लोग बोलते हैं कि नहीं सीआरजेड में करो इलीगल काम, तो मैं समझा रहा हूं कि भाई तुमको वो करना है करो, ये भी तुम्हारे हक की जमीन तुम ले लो। नायक साहब ने वो किए भी ऑफिशियली जगह पे, सुनिए नायक साहब ने, आदम भाई बराबर है, नायक साहब ने साफ साफ देख साहब कह दिया था कि आप लोग शुरू करो, अपने खुद बैक हुए, नहीं ये तो अपना ये काम नहीं, ये कल के दिन आगे पूरी रखे के आ रही है उन्होंने दो कब्रस्तान हमारे ट्रस्ट पे चढ़ाए है, एक अंधेरी में चढ़ाया है, एक मुलुंड में चढ़ाने की तैयारी है, उसमें एक रुपए से लेके जितना भी खर्चा किया उस आदमी ने किया, पैरवी उस आदमी ने की, सजा के लाके हमको दिया सफदर करमाली ने, सफदर करमाली हमारे वालिद को भी बहुत चाहते थे और हमारा भी बेचारे बहुत पास ख्याल रखते हैं, उन्होंने दो कब्रस्तान पास कराया खुद मेहनत करके, एक अंधेरी में पास कराया जो ट्रस्ट पे चढ़ गया है हमारे जामिया कादरिया शफीया के ट्रस्ट पे, और एक मुलुंड में हमने कैसे तुमको कहा गया, कैसे तुमको कहा था ना कि भाई उनसे मीटिंग, उनके आदमी से मीटिंग करा देते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप अपने इनको, हम हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग अपने उसमें चढ़ा सकते हैं, शमशान भूमि के लिए मुझे लगता है कि वो ठीक है, अपन उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, फिर अढ़ाई एकड़ सुन्नी समाज के लिए, और आधा एकड़ कोई मांग रहा था जिनका कब्रस्तान नहीं है उनको बाइकला जाना पड़ता है, ढूंढो कौन है आए थे मेरे पास, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको आधा एकड़ देने में कोई हर्ज नहीं। हजरत अभी हमारा कहना ये था कि देती बंदर में अगर किसी का इंतकाल होता है तो नगर जाते जाते मैयत हो जाएगा, अगर हमारे मौजे में किसी की मैयत होती है बॉम्बे कॉलोनी में तो वो अगर सोचा उसका नेटवर्क ठीक नहीं है तो आज इस दौर में कहाँ किसी के पास वक्त है, कौन उठा के लेके जाएगा, ये अपना मामला है। यहाँ जो कब्रस्तान हो जाता है तो देती बंदर से लेके बाकी तो उस तरफ तो बहुत सारी तरफ कब्रस्तान है, अमृतनगर कितना
ये कितना है, ये कितना है, ये टोटल पाँच है, इसमें एक एकड़ सिया लोग मांग रहे हैं, आधा एकड़ ऊर्जा जो भी है बड़ा है, फसल बड़ा है, आधा एकड़ क्रिश्चियन मांग रहे हैं और आधा एकड़ पाँच एकड़ पगला बन गया अभी देखिए वर्ली में कब्रिस्तान को क्या कराया गया, उसमें 300 गाड़ी मलबा निकला, 200 कब्रें जाय नहीं हुए, अगर तरतीब के कायदे से उसको करके रखा जाए तो 200 कब्रें जाय नहीं हुई, जिसमें सचिन बाबू वाहिद ने दिल खोल के साथ दिया, दिल खोल के, और मतलब समझ लो तो उतनी मेहनत थी कि वो वहाँ पे इतना बड़ा काम हो गया, क्योंकि स्थानीय घटना सेवे का पूरा बोझ किया, क्योंकि स्थानीय घटना सेवे हमको जाना पड़ा संजय राव के पास उसकी शिकायत करके, उसको बात किए यहाँ पर पुलिस सिस्टम की तकलीफ क्या है, बोले नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं था मतलब तो मस्तान था ना, ना वो मतलब का बस्ती थी ना, ना थी वो बस्ती बनी और 50 लाख से 1 करोड़ रुपये इंटीरियर में खर्चा करें पैसा नहीं लिया है, लेकिन हम देने को आपको कुछ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हमको देने में हरज नहीं, कहाँ देना है कैसा देना है बोले ठीक है बता दिए, फिर उसके बाद बातचीत नहीं, फिर वो ऑफिसर को फोन करे, ऑफिसर बेचारा फिर वो पैसा हो जाएगा तोड़ने का, फिर एक झंडा के बोले भाई तोड़ दे जा, फिर वहाँ जाके अपने बर्दाश्त की मजबूर भाई तोड़ दे, वहाँ सब मुस्लिम सब अपने फेवर देते हैं, ये भाई तोड़ ले जा, तोड़ना है तो फिर तोड़ ले, गुजारिश कर रहे, सिफारिश कर रहे, कह रहे इतनी लाख से आने तो दुनिया भर की बात करे भाई तोड़ ले जा, फिर वो मामला थोड़ा गर्म हो गया, देखते वो फलाना दबा कर, फिर हम गए संजय राउत के पास और बताया कि इस तरीके से मामला, तो राउत साहब ने दूसरे दिन उसको बुलाया और बुला के बहुत फटकार, ये क्या तरीका है, और फिर वो मामला बिल्कुल शांत। हजरत आपका कमिश्नर साहब से बात हुआ क्या, क्या हुआ संतुष्ट कितना क्या? कमिश्नर साहब ने कहा है कि 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम उसको अमल में ले आएंगे, अमल में लाएंगे, अमल पाल लाने से मतलब उसको पूरा प्रोसीजर वगैरह क्लियर कर, 3 महीने का टाइम, हमने उनको अपना दर्द बताया कि साहब हमारे वहाँ कब्रिस्तान से कच्ची राशि निकलती है और क्या नाम है, अगर हमारे इलाके में जिस इलाके में पहले हम रहते थे वहाँ से अमृत नगर जाने में कंधा देने वाले खुद मैयत हो जाते हैं, इतना ढीले हो जाते हैं, 3 किलोमीटर चल के जाते हैं, तो ये दर्द हमको खींच के लाया है आपके पास। हेलो हौसला गर्मा जी साहब, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मा जी साहब, मोहरा में कुछ कब्रिस्तान के लिए आपने बात की थी क्या किसी से? हाँ, तो ये आमदार साहब जो हमारे हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, ये बता तस्करा करने लगे आपका, तो हमने बताया कि भाई उन्होंने तो 2 कब्रिस्तान हमको दिया है, एक अंधेरी में दिया और एक धूल में, सारा प्रोसीजर करके सारी मेहनत करके दिया है, तो इस सिलसिले में आप ही आए थे ना इनके पास? अच्छा ठीक है, तो एक 2-4 दिन में अपने यहाँ मोहरा आपको आना है हमारे साथ और आके बैठ क्लियर करना है ना, ठीक हुई है, पर मैंने सोचा था आप ही करने वाले, तो मैं लीड लेके काय को इसके बोले। तो पांडे जी ये था कि क्योंकि हमारे आमदार जो हैं बाहुबली हैं और बहुत मजबूत आदमी हैं, तो इनसे हम लोगों को उम्मीद थी कि ये कर देंगे, उसमें कुछ थोड़ा सा शक शुबे वाला भी मामला आ गया, उसी को क्लियर करने के लिए आज हम लोग सब आए। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर, उन्होंने कहा कि पूरी पैरवी जारी है, उनकी तरफ से कोई कसर नहीं है और क्या नाम है, हमको इख्तियार है लैंड कवर करने का, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर होगा, साइलेंट मतलब 3 महीने में हैंड ओवर कर देंगे, मतलब मिल जाएगा 3 महीने। हाँ सर, हॉस्पिटल के बारे में क्या बता रहे थे?
उसका भूमि पूजन हो जाएगा। 100 बेडेड हॉस्पिटल।